मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके लहजे में लुकनत की वजह से या अजमी होने की वजह से वो अटकता है और उसका लहजा टूटता है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको दोरा सवाब अता करता है, एक कुरान पढ़ने का सवाब और एक उसको अटकने से जो तकलीफ होती है, तो फरमाया अल्लाह उसका भी उसको सवाब अता करता है। और फरमाया ये वो पाकीज़ा किताब है कि अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाओ।